हाँ तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड पीएच कैलकुलेशंस। हेडिंग डाल लीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड पीएच कैलकुलेशंस। इस टॉपिक में मैं आपको बताया क्या बताने वाला हूं, सॉल्ट की वजह से पीएच क्या होगी। यानी कुल मिला के एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर आपने कोई भी सॉल्ट डाल दिया, तो जब सॉल्ट डाल दोगे तो उस सॉल्ट से उसकी पीएच क्या 7 बनी रहेगी? बनी रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो वो क्या बनेगी वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके काम आएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कैटायन को क्लासिफाइड करते हैं, यानी कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले तो आप कैटायन का क्लासिफाइड करो। कैटायन, कैटायन दो तरह के हो रहे हैं हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वो कैटायन जो स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इससे बनने वाला कैटायन क्या है आपके पास? Na प्लस। अदर एग्जाम्पल, सोडियम प्लस हमने एक लिखा, लेकिन सोडियम प्लस ही नहीं, फर्स्ट यानी एल्कली ग्रुप के सारे कैटायन, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, ये सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन है। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ कैटायन ऑफ वीक बेस, कैटायन ऑफ वीक बेस, वीक बेस, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास आ सकता है वीक बेस, जैसे NH4OH, ये आपके पास NH4 बनाएगा प्लस, और इस तरह से हमारे पास कैटायन मिलेंगे वीक बेस के। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, NH4+। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं उनके कैटायन भी हमारे लिए वीक बेस कैटायन होंगे, जैसे ये है हमारे पास एनिलीनियम कैटायन, ठीक है। इसके अलावा लिथियम प्लस, लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस टू एक्सेस्ट्रा। तो आपने मुझसे क्या पढ़ा? आपने मुझसे पढ़ा कि दो तरह के कैटायन होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। आ रही है बात समझे? अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है, जैसे आपने कैटायन का क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन किया है, वैसे एनायन का भी क्लासिफिकेशन आप करेंगे। एनायन, एनायन भी हमारे पास दो तरह के होंगे, जैसे कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वैसे ही हम बात करेंगे एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग मानते हो आप? HCl। तो इसमें से H प्लस निकलने के बाद जो एनायन बचेगा वो कहलाएगा एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, Cl माइनस। ऐसे ही HNO3 से आपको H निकलने के बाद जो एनायन बनेगा वो कहलाएगा एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारे पास डेफिनेशन होगी एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर एनायन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड, एनायन ऑफ वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, CaCCOOH, इससे हमें एनायन मिलेगा CaCCO-, ये एनायन ऑफ वीक एसिड कहलाएगा, सही है। और एग्जाम्पल लेते हैं HCN, CN- भी इसका एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल तो आपके पास है ही, CaCCO-, CN-, CO3-2। और बताइए, जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं, सी ऑर्गेनिक एसिड है, उन सबके एनायन आपके पास एनायन कहलाएंगे वीक एसिड के। और जनरली इनके लिए एग्जाम्पल,
सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, एफ माइनस यहाँ आएगा क्योंकि एच एफ वीक एसिड है, आई माइनस, इसके अलावा एसओ फोर माइनस टू, इसके अलावा एनओ थ्री माइनस आपने लिख ही रखा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जनरल जो हमारे इस चैप्टर में दिखेंगे कैटायन एनायन वो मैंने लिख दिए हैं, तो आपने एक आइडिया लगा दिया कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, इतना समझना बहुत जरूरी है। अभी हमारा चैप्टर का एक छोटा सा डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ है कि किसको वीक मानना है किसको स्ट्रांग मानना है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, तब तक आप ये लिखिए, चलिए इससे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा हमारे पास, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड। देखिए आपने मेरे से अभी हाल समझा कि कौन सा कैटायन स्ट्रॉन्ग एसिड का है कौन सा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कैटायन है, एसिड से हमेशा क्या मिलता है आपको कैटायन, तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, कैटायन अगर आप उसको वाटर में डालेंगे H2O, तो नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शंस, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया Na+ और आप H2O डाल रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी आपको, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, इज दैट क्लियर। जबकि इसके अंदर दो पार्ट है, अगर आप वीक एसिड कैटायन डालेंगे, वीक एसिड कैटायन, तो वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो रिएक्शन प्रोसीड होगी और साथ के साथ H+ भी जनरेट होगा, यानी फाइनल मीडियम क्या होगा, एसिडिक। एग्जाम्पल लिखिए आप, जैसे आपके पास है NH4+, आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्या बनेगा, NH4OH+H+, आ रही है बात समझ में, और ये रिएक्शन अपने आप में रिवर्सिबल रहेगी, ये रिएक्शन अपने आप में रिवर्सिबल रहेगी, इज दैट क्लियर। ये नहीं कि 100% इस तरफ हो गया, तो अब आप क्या समझ रहे, कैटायन का कोई हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, और वीक एसिड के कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस यहां जाएगी और कुछ यहां रहेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट, क्या ये रिवर्सिबल होगी, हाँ रिवर्सिबल होगी, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे, हाँ उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है तो इसको KH बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, समझ में आ रहा है। KH का सीधा सीधा मतलब है आपके पास इस जगह कि ये भाई रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, दूसरा इसको हाइड्रोलिसिस तो बोल ही सकते हम, और एक और नाम अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं यहां पर KA, जनरली KA नहीं बोला जाता, लेकिन KA बोलने के पीछे मेरा क्या मीनिंग है यहां पर, वो ये है क्योंकि H+ निकल रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इसको KH भी बोल सकता हूँ, KA भी बोल सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। और जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, इस तरफ जा रही है, उसको मैं K- बोलूंगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/KH, क्या होती है, 1/KH। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। फर्स्ट, KH की वैल्यू जो ये SH स्मॉल है, KH की वैल्यू बहुत कम होती है 1 से, इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब कैटायन का हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो रहा है, इससे ये बातें पता चल रही है, दो बातें इससे। फर्स्ट, अमोनियम की क्वांटिटी यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी अभी भी प्रोडक्ट से ज्यादा है, क्योंकि मैंने बोल दिया KH की वैल्यू बहुत कम है, जनरली कम नहीं बहुत कम भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ये कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब बन रहा है तो H+ भी बहुत कम बनेगा, यानी ये बहुत अमोनियम आयन, ध्यान से सुनना, अमोनियम आयन अपने आप में H+ जनरेट तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जनरेट कर रहा है, यानी H+ कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, ये ब्रैकेट ही अपने आप में कंसंट्रेशन बता रहा है, इज वेरी लेस, वेरी लेस। यानी थर्ड पॉइंट जो निकल के आएगा आपके पास इस जगह, वो रहेगा जो फाइनल मीडियम है, फाइनल मीडियम
वह बेसिक तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होगा। फाइनल मीडियम इज वीक यहां पर जो मैं लिख रहा हूं बेसिक। वीक एसिडिक रहेगा मीडियम, क्योंकि एच प्लस दिख रहा है कंटेनर में, और ध्यान दीजिएगा वीक एसिडिक है ना कि वीक बेसिक है। और दूसरा पॉइंट जो आपके सामने है वो ये है कि अगर आप पीएच देखते हैं इस जगह, तो ये वीक एसिडिक होने की जगह ये पीएच 4 to 6 के बीच में रहेगी, ना कि 8 और 10 के बीच में। लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास जो आपको समझ में आने चाहिए। एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, देखिए फर्स्ट सेकंड तो आ ही रहा है, बी पॉइंट और निकल रहा है हमारे पास। यहां हमारे पास हो गया है, चलिए ठीक है। एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड। वो ये है कि कैटायन जितना वीक एसिड होगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, कैटायन जितना वीक एसिड का होगा, सॉरी वीक बेस का होगा, कैटायन तो वीक बेस से ही मिलेगा, कैटायन जितना वीक बेस का होगा उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए, बेसिक स्ट्रेंथ BOH जितनी कम होगी, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ B प्लस उतना ही ज्यादा होगा। और जितन अगर आपने दो ऐसे बेस ले रखे जो वीक बेस होगा उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, और हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा तो उससे हमें यह पता चलेगा कंसंट्रेशंस ऑफ OH माइनस उतनी ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको फिर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में इसको समझाना चाहता हूं। मेरे पास दो बेस हैं, एक बेस का नाम है XOH और दूसरे का नाम है YOH। इसके लिए आपको KB दे रखा है, सपोज कुछ इस तरह का दे रखा है, 2 × 10⁻⁴, और यहां KB दे रखा है 4 × 10⁻⁴। तो आप मुझे बताएं, पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑब्वियसली जिसके लिए केबी की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कौन ज्यादा बेस है? केबी। श्योर, लॉक कर दे। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जा रहा है, यहां तक तो हम सबसे सब जानते, हमें ये पूछा जा रहा है किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, ये तो दिया जा रहा है, विच मोर हाइड्रोलाइज्ड, विच कैटायन इज मोर हाइड्रोलाइज्ड, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? विच कैटायन इज मोर हाइड्रोलाइज्ड, इसी के अंदर विच कैटायन इज मोर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड तो आपके कौन से ज्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है, बी सॉरी एक्स प्लस और वाई प्लस? जल्दी से बोले आप, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका कैटायन कम हाइड्रोलाइज होता है, तो इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, YOH, तो इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कम। समझ में आ रही है? और अगर आपके पास कोई सॉल्ट है इसी जगह, सॉल्ट ऑफ एक्स इसके कैटायन के साथ है, तो कोई ना कोई एनायन भी होगा, मैंने मान लिया सीएल माइनस और एक्स प्लस और वाई प्लस और सी एल माइनस, एनायन दोनों में सेम रखा है, तो किसमें हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, आप ही बताएं, इसके अंदर ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, मोर हाइड्रोलिसिस, एंड शो मोर पीएच। इस पे जितना अच्छा आपका कमांड होगा उतना ही आयनिक आपका अच्छा कहलाएगा। तो कुल मिला के मैंने जो आपको ये एग्जाम्पल से समझाया है उसके अंदर एक बार और दिमाग लगाइए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी केबी उतना ज्यादा होगा, केबी जितना ज्यादा होगा उतनी पीएच ज्यादा होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ
अदर हैंड जो उसका कैटायन है, कैटायन हाइड्रोलिसिस, उतना ही कम होगा। और कैटायन हाइड्रोलिसिस कम होगा तो कैटायन हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, एच प्लस कंसंट्रेशन, वो भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है? और एक और पॉइंट जो आपके साथ शेयर में बार बार कर रहा हूं, यही कारण है कि अगर आप NaOH लेंगे तो NaOH का Na प्लस का कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि वो NaOH इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि Na प्लस का हाइड्रोलिसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां निकल के आ रहा है, कैटायन के हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोलिसिस जनरेट कैटायन। कोई भी कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो कैटायन ही जनरेट होगा, यानी H प्लस ही जनरेट होगा, एंड मीडियम बिकम एसिडिक। तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक, इसको लिखें। तो अब आपको मैं फिर बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए निकलते आ रहे हैं। NaOH अपने आप में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और Na प्लस एक्वस, सिंपल NaCl या कुछ भी ले लीजिए Na, ये क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहेगा। दूसरी तरफ NH4OH वीक बेस बनेगा, और NH4 प्लस, ऑब्वियसली प्लस है तो इसके साथ कोई माइनस होगा, तो जब इसके साथ कोई माइनस हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस का लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का लो, बेस का नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड का, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जिसका हाइड्रोलिसिस ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़े, न्यूट्रल लो। तो यहां जब NH4 है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वीक एसिडिक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया समझ में? मैं फिर बोल रहा हूं, एक ग्लास है मेरे पास, इसको उस बार बार समझाने के पीछे मेरा कुछ तो मीनिंग होगा। NH4OH डाला मैंने, एक ग्लास है जिसके अंदर मैंने NaCl डाला, एक ग्लास है जिसमें मैंने NH4OH डाला, और एक अलग ग्लास है जिसके अंदर मैंने NH4Cl रखा है। बताइए मीडियम क्या होगा, NaOH रखा है मैंने यहां पर दो जगह, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl न्यूट्रल, NH4OH वीक बेस, और NH4Cl वीक एसिड। अंतर क्या है, अंतर यह है कि NaOH खुद का OH दे रहा है, NaCl कुछ भी नहीं दे रहा है, NH4OH खुद का OH दे रहा है, NH4Cl OH दे रहा है लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन करके, गिव्स OH विद रिएक्शन विद वाटर, इसलिए मैं इसका हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूं। और किसी जगह मैंने हाइड्रोलिसिस बोला नहीं बोला, तो जब भी सॉल्ट आएगा और सॉल्ट में कैटायन वीक बेस का होगा मैं हाइड्रोलिसिस बोलूंगा, एनायन वीक एसिड का होगा मैं हाइड्रोलिसिस बोलूंगा, लेकिन क्या, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन आया मैं कोई हाइड्रोलिसिस नहीं बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस आया कोई हाइड्रोलिसिस नहीं बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आया कोई हाइड्रोलिसिस नहीं बोलूंगा, वीक एसिड आया कोई हाइड्रोलिसिस नहीं बोलूंगा, वीक बेस आया कोई हाइड्रोलिसिस नहीं बोलूंगा। हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक एसिड और वीक बेस के कैटायन एनायन का होता है और किसी का नहीं होता, ना तो एसिड का होता है ना बेस का होता है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन का होता है ना स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन का होता है। Is that clear? तो ये सब चीजें लिखिए, NH4OH OH देता है, सॉरी NH4Cl H प्लस देता है लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन करके, जो कि आप बार बार पढ़ रहे हो NH4 प्लस प्लस वाटर, और आपको क्या देखने को मिलेगा, H प्लस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल सही। तो आपने ये चीज पढ़ी है, अब सारे की पॉइंट एसिड के लिए भी हम लिखेंगे। फिर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पे आएंगे, तो हेडिंग क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। आपको मैंने पहले ही बताया
एनायन को हमेशा आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली कहां से मिलते हैं एनायन? कहां से मिलेंगे? एसिड से मिलेंगे, तो एसिड रेडिकल बोलेंगे, और कैटायन को क्या बोलेंगे? बेस रेडिकल, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एनायन ऑल्सो नोन बाय एसिड डिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल का मतलब एसिड से मिलने वाले रेडिकल। समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल हम यहां पर बार बार वही पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सीएल माइनस का, अगर आप सीएल माइनस अपने आप में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एनायन। अगर आप देखेंगे नो रिएक्शन विद वाटर, कोई रिएक्शन नहीं होगी, करेगा ही नहीं। दूसरा, अगर वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड एनायन, बिल्कुल ये रिएक्शन करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन देगा, और क्या बनाएगा इस जगह? OH माइनस, OH माइनस प्लस, कुछ ना कुछ तो बनाएगा, प्लस यहां पर क्या बनाएगा, जो भी उसके साथ है, वो हम एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी एस सी सी डबल ओ माइनस है, इसने रिएक्शन करी वाटर के साथ, बना क्या बनाया इसने? सी एस सी सी डबल ओ एच प्लस, और क्या बनाएगा ये? ओ एच माइनस। तो फाइनल मीडियम क्या होगा? फाइनल मीडियम क्या हुआ? फाइनल मीडियम एसिडिक, पीएच 7 से कम, लेकिन क्योंकि फाइनल मीडियम क्या हुआ? एसिडिक या बेसिक? सॉरी, बेसिक। एनायन हाइड्रोलिसिस होके एनायन बनाता है, और पीएच 7 से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। अब ये मान के चलो पीएच यहां पर कितनी होगी? 8 से 10 के बीच में होगी, क्योंकि एसिडिक आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, बता रहे हैं इसको। हम चार कंटेनर रख रहे हैं, एक में HCl, एक में CSC COOH, एक में NaCl और एक में CSC COONa रखा, ठीक है, रख दिया, कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच कहां जाएगी? एक या दो, लगभग बहुत कम रहेगी, यानी 7 से तो बहुत कम रहेगी। CSC COOH वीक एसिड है, वीक एसिड है तो पीएच कहां रहेगी आपके पास? 7 से कम रहेगी, ये बात बिल्कुल सही है। NaCl में Na भी स्ट्रांग है, Cl भी स्ट्रांग है, कोई हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं, नो हाइड्रोलिसिस। पीएच क्या रहेगी? 7। पीएच क्या रहेगी? 7। अब बात आती है CSC COOH, क्या हाइड्रोलिसिस होगा? हाँ होगा, और CSC COO हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनाएगा? बेसिक मीडियम बनाएगा और वीक बेस, और पीएच क्या हो जाएगी? 7 से ज्यादा होगी, लगभग वही जो मैंने लिखा है, 8, 9, 10 के आसपास होगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मेरे पास दो एनायन है, ऑब्वियसली दो होंगे, एक मेरे पास है RCOOH एसिड है, और एक मेरे पास R-COOH एसिड है। मुझे ये दिया जा रहा है Ka की वैल्यू 2 × 10⁻³, और यहां के ए दिया जा रहा है 4 × 10⁻²। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि एक सॉल्ट है जिसके अंदर क्या है हमारे पास? RCOO-Na+ है, और एक और हमारे पास है R-COONa+। यहां पीएच एक्स है, यहां पीएच वाई है, आपको मुझे बताना एक्स ज्यादा होगा या वाई ज्यादा होगा, सोच के चलिए। ये स्ट्रांग है या वीक है? ये ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसके लिए के की वैल्यू ज्यादा है, -2 ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है। जो वीक होता है उसका एनायन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, जिसका एनायन का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा उसे ज्यादा ओएच निकलेंगे, ज्यादा ओएच निकलेंगे पीएच ज्यादा होगा, तो मेरे लिए एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? एक बार और बताता हूं, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, वीक का एनायन ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा,
ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा और ज्यादा OH जनरेट करेगा, एनायन एनायन बनाता है, यानी OH ज्यादा ये बनाएगा, OH माइनस, OH ज्यादा बनाएगा, pH ज्यादा होगी, यानी x की वैल्यू y से ज्यादा होगी। तो ये अंदर तक बिठा लो, आप जल्दी से लिखो इसको। तो जो मैंने आपको पढ़ाया उनमें आपके कुछ एक डाउट आ रहे हैं। पहला डाउट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपका ये डाउट होगा कि कोई भी हो, भले वो कैटायन हो या एनायन हो, मेरे पास कैटायन है, जैसे मेरे पास कैटायन है ए प्लस और बी प्लस, ये वाटर के साथ रिएक्शन तभी करेंगे जब बी ओ एच और बी बी ओ एच, ए ओ एच और बी बी ओ एच वीक बेस के हों। चलिए ठीक है, और क्या बनाएंगे, ए ओ एच प्लस ओ एच माइनस, और ये क्या बनाएगा, बी ओ एच प्लस ओ एच माइनस नहीं बनेंगे, ये एच प्लस बनेगा और यहाँ पर भी एच प्लस बनेगा। समझ में आ रहा है? देखिए हाइड्रोलिसिस होना एक अलग बात है, लेकिन हाइड्रोलिसिस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, रिवर्सिबल रहेगा। ऐसा मैं आगे आपको जब इनके डेरिवेशंस कराऊंगा ना, तो जब आपको डेरिवेशन करने के बाद पता चलेगा कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10^-6 7 आ रही है, इससे पता क्या चल रहा है, कभी भी किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10^-6 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आगे गया तो है लेकिन बहुत ज्यादा तारीफ आगे नहीं गया है, इक्विलिब्रियम बनाया उसने। अगर ये 10^100 होता तो इसका मतलब ऑलमोस्ट पूरा हो गया, या 10^10 भी होता प्लस में तो भी इसका मतलब पूरा हो गया, लेकिन ये 10^-5, -4, -7 इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। यही डाटा हमारे पास इक्विलिब्रियम, यानी हाइड्रोलिसिस होता तो है सॉल्ट का लेकिन बहुत कम, और अगर वीक आपका कोई बेस बहुत ही ज्यादा वीक हो, बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो 100% हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेस का क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वीक होना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा वीक बेस को भी हम नहीं पढ़ रहे, हम मॉडरेट टाइप वीक बेस को पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अब अगर इसको आगे देखना है कि पीएच क्या होगी, तो अब हम उस पर मेहनत करेंगे। चलिए इसको तो लिखिए आप। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि वीक कैटायन और वीक एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग कैटायन स्ट्रॉन्ग एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद मीडियम या तो एसिडिक बन जाता है या फिर बेसिक बन जाता है, ये हमने पढ़ा है। अब जब एसिडिक बन गया तो पीएच 7 से कम होगी, लेकिन कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ पीएच, कैलकुलेशंस ऑफ पीएच। ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैलकुलेशंस पीएच ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें केस फर्स्ट आप करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। आप ही बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, अगर मैं NaCl का हाइड्रोलिसिस करता हूं, मान लीजिए कर दिया मैंने NaOH प्लस HCl, क्या किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं? नहीं, प्रोडक्ट में कभी आपको स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को नहीं रहेंगे, अबव रिएक्शन नॉट पॉसिबल, अबव रिएक्शंस नॉट पॉसिबल बिकॉज इन केमिकल रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड नॉट फॉर्म। Not form by ion exchange. Ion exchange करके तो नहीं बना सकते, redox reaction करके बनाते हो, वो इस chapter का part नहीं है, नहीं होगी। और जब hydrolysis नहीं होगा तो result क्या रहेगा, यहां no hydrolysis and final solutions, फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास इज न्यूट्रल
और फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल यानी पीएच क्या रहेगी आपके पास इस जगह एग्जैक्ट 7। तो ये आपके पास केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड स्टडी करते हैं हम। करें केस सेकंड स्टडी, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। कोई भी एक एग्जांपल लो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास कौन है, HCl ले लो, और वीक बेस कौन सा लोगे आप, वीक बेस NH4OH। तो बनने वाला सॉल्ट जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा उसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। सही है। जब ये सॉल्ट आप वाटर में डालोगे NH4+, Cl का कोई काम नहीं है, वाटर में डाला H2O में, तो आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी NH4OH प्लस HCl, सॉरी NH+ आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सही है। मीडियम कैसा होगा, बेसिक, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे KH। तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो चुका है। मान लीजिए यहां पर इसकी कंसंट्रेशन जीरो है, तो सी है ये, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, डैश डैश H2O इतना ज्यादा होता है कंटेनर में कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती है। और जो लिक्विड होते हैं इस तरह के उनके फिर हम एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1। तो 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए सी है, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या हाइड्रेशन बोलते हैं, इसलिए मैं अल्फा की जगह एच यूज कर रहा हूँ। जनरली तो अल्फा यूज करते हैं लेकिन मैं यहाँ एच इसलिए कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डैश, ये कितना बनेगा सी एच, और ये भी कितना बनेगा सी एच। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डब्ल्यू के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, NH4OH एच प्लस NH4+, और ये वैल्यू आएगी सी एच मल्टीप्लाई बाय सी एच अपॉन C1 - H। सी से सी क्रॉस हुआ तो के एच की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो सी एच स्क्वायर अपॉन 1। तो अब आपके पास एक और रिजल्ट आएगा, एच की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के एच बाय सी। ये आपके पास एक पॉइंट आया। एक पॉइंट और आपके पास आ रहा है, वो पॉइंट आपके पास आ रहा है, एच की वैल्यू तो हो गई आपके पास अंडर रूट के एच बाय सी, लेकिन आपके पास एक और पॉइंट आ रहा है और वो है आपके पास एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी यहां पर, अंडर रूट के एच, एच प्लस की कंसंट्रेशन है एच मल्टीप्लाई बाय सी सी एच, और एच की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट के एच बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये सी अंदर जाएगा सी स्क्वायर, या आप इसको एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट के एच सी। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। समझ में आ रहा है। और एक केमिकल रिएक्शन हमारे लिए हो गई 1, ये केमिकल इक्वेशन है। एक और केमिकल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास, वो है NH4OH, अपने आप में एक वीक बेस है, वो भी है इस तरह का एक इक्विलिब्रियम रखेगा NH4+OH-, और यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो KB कहलाएगा, जिसकी वैल्यू NH4+ और OH- अपॉन NH4OH रहेगी। एक और इक्विलिब्रियम, इसको हमने मान लिया 2, इसको अलग ही रख लीजिए ए 1 2। एक और इक्विलिब्रियम है आपके पास और वो है H2O, जो H+ और OH- बनाता है। ये KW जनरेट करेगा, इसकी वैल्यू रहेगी NH4+ H+OH-। तो अब आप मेरे को बताइए, ये थर्ड हो गया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस, जो मेरे पास आ रहा है वो है के एच, के एच की वैल्यू आएगी KW/KB। आप देख लीजिएगा
केएच की वैल्यू आएगी, यानी केएच की वैल्यू जो हमारे पास थी, केएच कहाँ था हमारे पास, ये रहा केएच, केएच ये है केएच, इसकी वैल्यू अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, के डब्ल्यू बाय के बी, के डब्ल्यू कहाँ है ये रहा, इसमें के बी की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो आपको के एच मिल जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास डेरिवेशंस हो गया, एक तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आई के एच की वैल्यू। तो क्या हम इसको क्या नाम दें, इसको नाम दे देते हैं हम बी। अब हमारे पास इस जगह जो बन के आ रहा है रिजल्ट, वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट इस जगह क्या रिजल्ट आ रहा है, पहला रिजल्ट तो आएगा मीडियम क्या रहेगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, इज एसिडिक। दूसरा रिजल्ट आ रहा है एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, अंडर रूट के एच मल्टीप्लाई बाय सी। तीसरा रिजल्ट आएगा एच प्लस की वैल्यू के एच की पे डिपेंड करेगी, और के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के बी मल्टीप्लाई बाय सी है। समझ में आ रहा है, यानी यहां पर के बी आएगा लेकिन नीचे आएगा, कोई डाउट नहीं है। वीक बेस के अंदर भी के बी आता है, के बी मल्टीप्लाई बाय सी, लेकिन के बी ऊपर होता है डायरेक्ट पी एच सॉरी ओ एच कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस, वहां पर भी आपको दिखता है के बी, और यहां पर भी के बी दिखेगा, लेकिन यहां के बी नीचे है और वहां ऊपर है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ पॉइंट जो आपके पास आ रहा है इसी से, ध्यान से सुनना, के बी की वैल्यू जितनी कम होगी एच प्लस कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा और पी एच उतना ही कम होगा। के बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एच प्लस ज्यादा और पी एच कम, यानी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा और एच प्लस की ज्यादा होती है, पी एच क्या हो जाएगी कम। समझ में आ रहा है, तो मैं आपको सिंपल सिंपल सा लॉजिक बात कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास एग्जाम्पल है एक्स ओ, आपके पास एग्जाम्पल है, मैं ले रहा हूं एक्स सी एल और वाई सी एल, इसकी पीएच मान लीजिए 3 है और इसकी पीएच आपके पास 4 है, दिया गया है, देन विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, XOH और YOH, आप मुझे बताएं सॉल्यूशन करते वक्त पीएच किसकी कम है, इसकी कम है, पीएच कम है यानी एच प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है, एच प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है तो केबी की वैल्यू क्या होगी कम होगी, केबी की वैल्यू कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी कम होगी। तो अब आपके पास सोचा है XOH इज वीकर, ठीक है, तो वीकर बेस, इसी कारण X प्लस का हाइड्रोलिसिस ज्यादा हुआ, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा, ये जो वीक होता है उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है, और आपके पास ये चीज सामने आएगी। लिखें इसको, देखो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रिलेशंस बनाना है आपको, बताना है इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशंस होगा, क्या आप इनके नाम रख सकते हो, ये के बी ये के डब्ल्यू, इनके नाम तो हम जानते हैं, इसका नाम नहीं जानते के इक्विलिब्रियम, और ये पता है कुछ और नहीं है, ये आपके पास वन बाई के एच है, ध्यान से देखो आप, ये अपने आप में क्या है वन बाई के एच है, बोलो या सुनो, क्यों भाई वन बाई के एच दे रहा हूं, क्योंकि उल्टा देखो हाइड्रोलिसिस दिखेगा आपको, या सुनो, तो आप इतना जानते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सॉल्यूशन बनाना है, और आपसे इन दिनों के रिलेशंस पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हो के एच की वैल्यू क्या होती है, के डब्ल्यू अपॉन के बी, सही है।
तो हमें जो दिया गया है के डब्ल्यू वो है एक तरह से वन अपॉन के एच, बस, और वो ही हमारे लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और के एच की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, उल्टा के बी अपॉन के डब्ल्यू हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के बी अपॉन के। इसको बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा जा, बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल NH4OH के लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता लगाओ, अगर के बी की वैल्यू 10^-4 दी गई है तो आप कैसे निकालोगे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो। के बी की वैल्यू क्या है, 10^-4, और के डब्ल्यू कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 10^+10। सही है, बहुत आसानी से बोल सकते हो आप, समझ में आ रहा है। और अगर आपसे के एच पूछा जाता तो वो कितना होता, 10^-10। ये है आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट्स की कहानी। तो जल्दी से आप इस चीज को पकड़ेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा, लिखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के लिखें इसको। देखिए कैलकुलेशंस ऑफ सॉल्ट हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, सही है पढ़ लिया आपने। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पढ़ा है। अब आपके पास क्या हो रहा है, केस थर्ड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए इसका, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, यानी आपके दिमाग में जब आएगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो आपके एग्जाम्पल आएगा CaC, COONa या KCN, इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठा होगा जिसमें NaOH स्ट्रॉन्ग है, CaC COOH वीक है, KOH स्ट्रॉन्ग है, HCN वीक है। आ रही है बात समझ में। तो अब हम यहाँ जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक वाले पार्ट का होगा, और हाइड्रोलिसिस जब वीक वाले पार्ट का होगा तो आपके पास वही बनेंगे CaC COOH+, प्लस क्या बनेगा आपके पास यहां पर OH-, एक आपके पास ये रहेगा इस जगह, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन सी है, डैश 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 C1-H इसमें डिकम्पोज हुआ, डैश CH बन रहा है, CH बन रहा है आपके पास दूसरा, यानी कि आपके पास यहाँ जो OH कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, CH × CH/C1-H, तो आपके पास आ जाएगा C से C क्रॉस हो गया, CH²/1-H, और ये मान लिया जाए कि H बहुत कम है 1 से, नेकलेट कर दिया, तो OH की कंसंट्रेशन आपके पास क्या आएगी यहाँ पर CH², और जब CH² आएगी तो बिल्कुल सही है, आपके पास OH की कंसंट्रेशन आपके पास CH² आएगी, ठीक है जाने दीजिए आप। और ये तो आपके पास हो गया OH की कंसंट्रेशन, मुझे यहाँ पर OH नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पर क्या डाल लिखना था KH, तो KH की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलेंगे KH, वो ये होगी, इससे हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू क्या हो जाएगी √KH/C। आ रही है, यहां मैंने सी से सी क्रॉस हुआ तो एक सी अभी भी बचा हुआ है, CH²/1-H, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, ये हमारे पास आया H। हम चाहते हैं कि KH को हम एलिमिनेट करें किसी और तरह से, KH नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन जनरेट करेंगे किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन KH KW और एक और है KA, क्योंकि वीक एसिड भी यहाँ पर है, तो तीन एसिड है हमारे पास। KH आप अच्छे से जानते हो, KH आप क्या जानते हो, CaC COOH × OH- CaC COO-, ये तो आपके पास हो गया इसको नाम दिया इक्वेशन ए और इसको दिया इक्वेशन वन। एक और
आपके पास इक्विलिब्रियम बना हुआ है और वो है CH3COOH भी आपका डिकम्पोज हो रहा है। किस फॉर्मेट में? CH3COOH+ में। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, वो के ए के नाम से जाना जाएगा, CH3COOH+ CH3COOH। क्लियर है? और इस तरह से आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी बी, एक और आपके पास डिकम्पोज हो रहा है वो है H2O, जो कि H+ प्लस OH- में डिकम्पोज हो रहा है, होने दीजिए। और जब H+ और OH- में डिकम्पोज हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw आएगा, जिसकी वैल्यू H+ और OH- आएगी, और ये C। अगर ए बी सी को आप देखेंगे बाय ए बी सी इक्वेशंस, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वेशंस, तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? के एच की वैल्यू मिलेगी के डब्ल्यू अपॉन के ए, इसको आप सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो के डब्ल्यू की वैल्यू ये, इसमें इसका डिवाइड करो, एच से एच प्लस कट जाएगा, डिवाइड करते ही तो सी एस सी डबल ओ पक्का, यहां ऊपर क्या रहेगा OH, और ये चीज ऊपर चलाई जाएगी OH CH3COOH, और नीचे क्या रहेगा CH3COO-, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब KW में KA का डिवाइड कर रहे हो, C में B का डिवाइड कर रहे हो, आपको A दिखाई देगी, दिखाई दे रही है, वेरी गुड। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो है एक और पॉइंट। इस पूरे इक्वेशंस में आपने क्या पढ़ा था? आपने एक और चीज पढ़ी थी और वो है वो मीडियम कैसा रहेगा आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सा था हमारे पास? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। मीडियम कैसा था? बेसिक। और ओएच की कंसंट्रेशन हमने निकाली है वो कितना था? ओएच की कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास सीएच, और एच की वैल्यू है हमारे पास, आपने लिखा है सी अंदर ही रहने दो, के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाई बाय सी, एच की वैल्यू रख दी आपने, बिल्कुल। तो ये आपके पास बिल्कुल सही जा रहा है सी एच। आपको एक सब लग रहा होगा कि कैसे हम ये एच को रख रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं, सी ये होता है के एच अपॉन सी, फिर आपके पास आएगा एच की वैल्यू रखी आपने के एच सी, और के एच सी की वैल्यू आएगी आपके पास के डब्ल्यू अपॉन के ए सी, एकदम से नहीं आएगा आपको, नहीं तो समझ में, अब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला है जो बार बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, या ऐसा बोला जाए पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इसकी कैलकुलेशंस करना है। और वीक एसिड वीक बेस का कोई सॉल्ट का एग्जांपल आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं CH3COOH4, इसका हाइड्रोलिसिस करें हम, बहुत लंबा डेरिवेशन जाएगा क्योंकि दोनों पार्ट हाइड्रोलाइज होंगे, तो आप कैसे हाइड्रोलाइज करोगे? CH3COO- है, NH4+ है, यह हाइड्रोलाइज होंगे तो क्या बनेगा आपके पास? CH3COO- और क्या बनेगा? CH3COOH, और दूसरा बनेगा आपके पास NH4OH, H2O के साथ रिएक्शन हो रही है प्लस H2O। देखिए जितनी कंसंट्रेशन इसका यहां होगा वहां यहां होगा, डैश जीरो जीरो, ये कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप बताइए ये कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू जीरो पर था, इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा? C1 माइनस H, ये डैश CH CH। तो बताइए यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH, जिसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोल सकते हो, CH CH अपॉन C1 माइनस H C1 माइनस H,
सी से सी, सी से सी, तो आपके पास के एच की वैल्यू क्या रहेगी, एच स्क्वायर वन माइनस एच का स्क्वायर, या आप बोल सकते हो कि एच की वैल्यू होगी आपके पास एच वन माइनस एच की वैल्यू होगी अंडर रूट के एच। बोलो होगी या नहीं होगी, ये आपके पास होगा 10 के एच की वैल्यू जो आपने निकाल दिया अंडर रूट के एच। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए इसमें, कैसे हमें रिलेशंस भी बनाना है, रिलेशंस बिटवीन के डब्ल्यू के ए के बी और के एच। आप बताइए सबसे पहले तो के एच की वैल्यू क्या होगी, सी एस सी सी डबल ओ एच, एन एच फोर ओ एच, सही है, डिवाइडेड बाय सी एस सी सी डबल ओ माइनस और एन एच फोर प्लस। दूसरा इक्वेशन के डब्ल्यू क्या होगा आपके पास, वो होगा एच प्लस और ओ एच एंड मल्टीप्लाई बाय ओ एच माइनस। के ए क्या होगा आपके पास इस जगह, के ए वीक एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए के एच क्या होगा, सी डबल सी एस सी सी डबल ओ माइनस एच प्लस सी एस सी सी डबल ओ एच, ये के ए होगा। के बी क्या होगा आपके पास, एन एच फोर प्लस ओ एच माइनस एन एच फोर ओ एच। आपके पास इक्वेशंस ए बी सी डी, चार इक्वेशंस आपके पास आ गई, और चारों को अगर मिलाया जाए बाई ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो आपको पता है क्या मिलेगा, के एच की वैल्यू मिलेगी के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी, चारों इक्वेशन से। आपको ये कैलकुलेशन अभी देखनी नहीं है, मुझ पे विश्वास करना है और आगे चलना है, इज दैट क्लियर। लेकिन अभी भी हमारे पास पीएच तो नहीं आई, पीएच लाने के लिए हमें ये रिजल्ट दिमाग में बिठा के चलना पड़ेगा, क्या ये एच अपॉन वन माइनस एच की वैल्यू इक्वेशन वन। चलो पीएच को भी कैलकुलेट करते हैं, पीएच कौन देगा, यहां से आपके पास पीएच आएगी, तो पीएच कैलकुलेशंस के लिए आपके पास क्या लेना पड़ेगा, सी एस सी सी डबल ओ एच, जहां आपको एच प्लस दिखाई दे रहा है वो यही है, प्लस सी एस सी सी डबल ओ माइनस। तो आप बता सकते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, के डब्ल्यू की वैल्यू, के डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है, सॉरी के ए की वैल्यू क्या आ रही है, एच प्लस सी एस सी सी डबल ओ माइनस अपॉन सी एस सी सी डबल ओ एच। आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, और याद करो इससे एच प्लस निकाल सकते हैं हम के ए सी एस सी सी डबल ओ एच अपॉन सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस। या सुनो, जिस कंटेनर में ये है, जिस कंटेनर में ये है, ध्यान से सुनना, सी एस सी सी डबल ओ एच की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बोलो, जिस कंटेनर में ये है वहां आपके पास क्या होगा, सी एच सी से डब्लू एच कितना था, याद करें आप, शायद आपको याद आ जाए, ये है सी एच, बिल्कुल सही है सी एच, और ये है आपके पास सी वन माइनस एच, तो ये आपके पास आ जाएगा के ए एच अपॉन वन माइनस एच, और ये आपके पास आ जाएगा के ए एच अपॉन वन माइनस एच, क्या होता है आपने अभी हाल निकाला है के डब्ल्यू, सही है, एच अपॉन वन माइनस एच के एच निकाला है आपने, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और के एच की वैल्यू आपने निकाली है ये, तो यहां अंडर रूट एक तरह से क्या हो जाएगा, के ए अंदर ले जाएंगे के ए स्क्वायर, के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी, तो के ए से ये के ए क्रॉस हुआ, तो फाइनली आपके पास एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय के ए अपॉन
के बी। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है जो हमने कर दिया है, लिखें इसको आप। देखो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ा, एक बार हम सारे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जैसे हमारा सारा चीज एक ही साथ क्लियर हो जाए। तो पीएच ऑफ सॉल्ट, हम चार ब्लॉक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, फिर पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, फिर हम पढ़ेंगे वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। सही है, ये चारों हमारे को ढंग से करना है। इसका एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट NH4Cl, इसका कौन होगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड CaCCOONa, इसका एग्जाम्पल क्या होगा CaCCOONH4, दोनों वीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन होगा NaCl। मीडियम क्या होगा, मीडियम एसिडिक बेसिक न्यूट्रल अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल और एग्जैक्ट न्यूट्रल न्यूट्रल। पीएच क्या रहेगी यहां पर, एसिडिक के पीएच 7 से कम होगी, बेसिक के पीएच 7 से ज्यादा होगी, पीएच 7 के बराबर होगी अप्रोक्सीमेट, पीएच एग्जैक्ट 7 होगी, पीएच 7 से कम होगी। एच प्लस कंसंट्रेशन अंडर रूट के एच मल्टीप्लाई बाय सी होगा, एच प्लस नहीं, जब भी पी ओ एच होती है तो ओ एच कंसंट्रेशन पहले निकलेगी, अंडर रूट के एच मल्टीप्लाई बाय सी होगा, एच प्लस कंसंट्रेशन वीक एसिड वीक बेस है, अंडर रूट के एच अपॉन के बी मल्टीप्लाई बाय के ए ऊपर आएगा, जो निकाल रहे हैं के ऊपर और के बी नीचे, और यहां तो पीएच 7 है तो इसको तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट, यहां पर के एच की वैल्यू क्या होगी आप खुद जानते हैं, के डब्ल्यू अपॉन के ए, यहां हमसे गलती हो रही है, यहां के डब्ल्यू आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाई बाय सी, यहां होगा के एच के ए मल्टीप्लाई बाय सी, के बी मल्टीप्लाई बाय सी, और यहां हमारे पास जो आपने देखा है वही है के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी। दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो आप, माइनस लॉग एच प्लस माइनस वन बाई टू लॉग के डब्ल्यू माइनस वन बाई टू लॉग सी माइनस वन बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू लॉग के बी। यहां आपके पास माइनस लॉग ओ एच माइनस वन बाई टू लॉग, ये के एच अब के डब्ल्यू में चेंज हो चुका है, लॉग के डब्ल्यू माइनस वन बाई टू लॉग सी माइनस माइनस वन बाई टू लॉग के ए। यहां आपने माइनस लिया माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू लॉग के डब्ल्यू माइनस वन बाई टू लॉग के ए माइनस वन बाई माइनस वन बाई टू लॉग के बी, यह आपको देखने को मिलेगा। सही है, और फिर उसके बाद माइनस लॉग को क्या बोल सकते हो आप, पीएच, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई टू पी के डब्ल्यू
माइनस 1/2 लॉग सी, और माइनस माइनस तो एक माइनस तो पी में चला जाएगा, माइनस 1/2 पी के बी। यहां आपके पास पी ओ एच आएगा पहले, जिसकी वैल्यू 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस 1/2 लॉग सी और माइनस 1/2 पी के ए रहेगा। यहां पर, यहां पर माइनस लॉग का मतलब पी एच 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस 1/2 पी के ए, माइनस नहीं आएगा प्लस, और माइनस 1/2 पी के बी ये रहेगा। यहां क्योंकि पी ओ एच निकाला है तो इसको 14 में से माइनस कर दो तो पी एच आ जाएगा, और 14 का मतलब पी के डब्ल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस दिस, तो माइनस 1/2, ये एक तरह से 7 ही है, तो 7 14 माइनस दिस तो 7, जितने भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ये आपके पास आएगा, लिखें इसको।